नमस्कार, वेलकम टू सनुषा। सनुषा चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा स्टोर है, दिल्ली में है। आपको हर तरह के गोदरेज के लॉकर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वीटीपी मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा। किसी भी तरह का गोदरेज का सिक्योरिटी आइटम चाहिए वो हमारे स्टोर से आके आप ले सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है गोदरेज के ईगल आई लाइट अलार्म किट के ऊपर है। उसकी अनबॉक्सिंग करके हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यह है गोदरेज का ईगल आई लाइट अलार्म किट, प्लग एंड प्ले है ये। इस किट में क्या क्या आएगा यहाँ पे हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। ये मैग्नेटिक डोर सेंसर है, ये की फोब कहते हैं, इसको आप रिमोट भी कह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो हूटर का पैनल है, यहीं से आवाज आती है, हूटर बजता है। ये देखिए, आपको ये सारे चीजें मिलेंगी यहाँ पे। इसके अलावा इसमें दो कलर आते हैं, रेड और ब्लू। आपको जो पसंद है कलर आप वो ले सकते हैं। अब हम आपको कैसे ये अटैच होता है, कैसे ये एक्टिव करते हैं इसको यहाँ पे वो करके बताएंगे। सबसे पहले आपको हूटर पे हूटर को जो है बोर्ड पे लगाना है, पावर सप्लाई वाले बोर्ड पे देंगे और फिर उसको ऑन कर। ये इसका रिमोट है, इसमें आपको चार बटन दिख रहे हैं। अब हूटर को ऑन करते ही सबसे पहले आपको इस पे जो पैनल पे इसके हूटर के पैनल पे बटन है उसको ऑन करेंगे और फिर SOS बटन आपको दबाना है रिमोट का, या की फोब आप कह सकते हैं। ये बीप की आवाज आती है, इसका मतलब आपका रिमोट इससे अटैच हो गया है। अब मैग्नेटिक डोर सेंसर को कैसे अटैच करते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इस पे आपको स्ट्रिप आती है, उसको निकालना है और उसके बाद दोनों को, डोर सेंसर को आप मैग्नेटिक डोर सेंसर जो आपस में जोड़ के रखते हैं और फिर बटन ऑन करते हैं। पहले आपको स्ट्रिप हटानी है मैग्नेटिक डोर सेंसर को, दोनों को एक साथ जोड़ के रखना है और फिर ऑन करना है। पहले आप रिमोट से ऑन करेंगे, ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका डोर सेंसर है उसको आपको मैग्नेटिक डोर सेंसर को थोड़ा दूर पे रखना है, ये अपने आप यहाँ पे लाइट जलेगी पैनल पे और इससे अटैच होगा। लाइट ब्लिंक करती है 3-4 बार, इसका मतलब है इसमें ये देखिए लाइट जल रही है इसमें, और इसको अलग करते ही लाइट ब्लिंक होती है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जो डोर सेंसर है इसमें आपका ये अटैच हो गया है हूटर पैनल से। और इसको ऑफ करने के लिए आपको रिमोट बटन में ऑफ का बटन है, उससे आप ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम आपको लगा के दिखाएंगे ये डोर सेंसर। देखिए, ये लॉकर है गोदरेज का, उस पे उसके डोर पे लगाना है। अब जब कोई भी इसको लॉकर को के डोर को ओपन करेगा और अगर आपका हूटर पैनल ऑन है तो इसमें आपको अलार्म की आवाज आएगी। ये देखिए, ये डोर पे लगा रहे हैं लॉकर के, और इस तरह से लगाना है कि दोनों जो मैग्नेटिक डोर सेंसर है वो दोनों स्ट्रिप आपस में अच्छे से अटैच रहे, उसमें मतलब ज्यादा उसमें दूरी ना रहे, दोनों आपस में पास एकदम अच्छे से अटैच रहना चाहिए। ये देखिए, डोर खुल भी रहा है, बंद भी रहा है और दोनों डोर सेंसर आपस में अटैच है। इसके अलावा इस पैनल में आप सिर्फ एक ही नहीं, कम से कम 30 डोर सेंसर आप इसमें लगा सकते हैं। और डोर सेंसर ही नहीं, मोशन सेंसर भी होता है गोदरेज का, वो भी इसमें इस पैनल पे आप अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ऑन कर दिए, रिमोट से ऑन कर दिए। अब ये पैनल जो है हीटर पैनल वो ऑन हो गया है। अब हम यहाँ पे अगर लॉकर को ओपन करते हैं इसका डोर, तो देखिए यहाँ पे हूटर बजने लगेगा ओपन करते ही। ये देखिए, हूटर बजने लगा है। अब ये तब तक बजता रहेगा जब तक कि आप इसको रिमोट से ऑफ नहीं करेंगे। ये देखिए, जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे ये हूटर बजता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने ये आपके लॉकर का डोर ओपन किया है। ये देखिए, ये दूसरा मैग्नेटिक सेंसर भी आपको यहाँ पे अटैच करके दिखा रहे हैं। और आप इसको सिर्फ लॉकर पे ही नहीं,
आप घर के किसी भी डोर पे, ये डोर सेंसर होता है, मैग्नेटिक डोर सेंसर, किसी भी डोर पे आप लगा सकते हैं, चाहे वो अलमीरा का हो, चाहे वो मेन डोर हो, कमरे का डोर हो, किसी पे। ये देखिए उसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। अब आपको मैग्नेट, जो मैग्नेटिक डोर सेंसर है उसको थोड़ा दूरी पे रखना है। अब वो अटैच हो रहा है बीप के साथ, ये अटैच हो गया। ये यहाँ पे ये डोर सेंसर भी इसमें एक्टिव कर दिया है, ये देखिए इसमें। अब इसको हटाते ही यहाँ पे बोलने लगता है। अब यहाँ पे आपको डोर पे लगा के दिखाएंगे, ये देखिए ये मेन डोर पे आपको लगा के दिखा रहे हैं। आप सिर्फ इसको लॉकर पे ही नहीं बल्कि मेन डोर पे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डोर ओपन करे आपको पता चल जाए तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये देखिए। और ये जो हूटर पैनल है ये कम से कम 10 मीटर की दूरी को ये कवर करता है, 10 मीटर की दूरी तक आपका ये काम करता है पैनल। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया डोर सेंसर। अगर आपके पास मोशन सेंसर है उसको भी आप इस पैनल से अटैच कर सकते हैं, और वो गोदरेज का होना चाहिए। ये देखिए इस पैनल को अभी ऑन करेंगे, ये इसको ऑन कर दिए। अब जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे डोर ओपन होगा, अपने आप हूटर बजने लगेगा। ये देखिए ये हूटर बजने लगा, इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि किसी ने डोर ओपन किया है, ये देखिए। और जब तक आप इसको रिमोट से बंद नहीं करेंगे ये तब तक बजता रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि कब तक बचेगा, तो जब तक इसकी बैटरी है इसमें ये तब तक बजता रहेगा। आप मतलब जब अगर रिमोट से नहीं बंद करते हैं तो जब तक इसमें बैटरी रहती है तब तक उसको ये आपका हूटर बजता रहेगा। ये देखिए अभी हटने से भी ये फिर से एक्टिव हो गया, और जब तक आप रिमोट से बंद नहीं करेंगे बजता रहेगा। ये देखिए एक और डोर सेंसर को इन्होंने अटैच किया है। अब यहाँ पे आपको लगा के दिखाएंगे, आप किसी भी अपने अलमीरा में, अलमीरा के डोर पे या मेन डोर पे इसको लगा के रख सकते हैं डोर सेंसर को, मैग्नेटिक डोर सेंसर को। या अगर मोशन सेंसर है, किसी भी तरह का मोशन होता है तो वो यहाँ पे आपका जो अलार्म किट है, अलार्म हूटर है, वो आपको बजने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई है या डोर को ओपन किया गया है। आप कम से कम 30 इस तरह के मोशन सेंसर या अलार्म सेंसर, मैग्नेटिक डोर सेंसर को अटैच कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और काफी बिकता भी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको मेन डोर पे लगाते हैं और कोई डोर ओपन करता है तो आपको पता चल जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल सनुषा को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।